चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड की दबंग स्टार सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की असफलता को भूलकर सलमान खान अब अपनी आगामी फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग में व्यस्त हो चुके हैं और इन दिनों मोरक्को में इस फिल्म की शूटिंग जोर शोर से कर रहे हैं, जहां लगभग 15 दिन की शूटिंग की जाएगी। यहां आप सलमान खान के पीछे की झलक देख सकते हैं, जहां वो काफी दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। विश्वास नहीं होता है तो नीचे दी गई तस्वीर में देखे तो फिल्म के सेट से शेयर किया गया है। अली आवास जफर के निर्देशन में बन रही ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने की तैयारी चल रही है। एक था टाइगर के इस सीक्वल को लेकर सलमान खान के फैंस में बेहद ही ज्यादा उत्साह है और माना जा रहा है कि अगर फिल्म पंडितों की बात माने तो सलमान खान की यह फिल्म करीब करीब 600 करोड़ का बिजनेस करने की उम्मीद है और फिल्म सफलता के नए कीर्तिमान भी बना सकती है। मोरक्को में जैसे ही सलमान खान वहां मौजूद, प्रशंसकों ने सलमान को घेर लिया। सलमान खान ने भी उन्हें निराश नहीं किया और उनके साथ जमकर फोटो खिंचवाया। फिल्म से जुड़े एक सूत्र के अनुसार यहां पर फिल्म के एक्शन सीन फिल्माए जा सकते हैं। सलमान के इस हैरत अंगेज का एक्शन दृश्य होगा। यह फिल्म इस वर्ष के अंत में प्रदर्शित किया जाएगा।